WWE में ब्रॉक लेसनर जैसे तगड़े एंड पावरफुल सुपरस्टार बहुत ही कम है, लेकिन कभी ना कभी ब्रॉक लेसनर को रिप्लेसमेंट या फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी WWE में। तो आज मैं आपके लिए टॉप 5 सुपरस्टार लेके आऊं जो ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह रेसलिंग फैन है, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और लाइक मार के अपनी अटेंडेंस लगवा देना। माय नेम इज सोहेल, लेट्स गो फॉर द वीडियो। बाय बाय। सो गाइस, जो भी सुपरस्टार हम देखने वाले हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट तो चाहिए, वो है स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस ब्रॉक लेसनर जैसी। सो देरी किस बात की, चलिए फिफ्थ सुपरस्टार पर चलते हैं। नंबर 5, समोवा जो। समोवा जो और ब्रॉक लेसनर में एक चीज जो सबसे ज्यादा मैच करती है, स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन एक चीज, मैच को जल्दी खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, समोवा जो वर्सेस रे मिस्टीरियो हुआ था रेसलमेनिया में, बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया था और जीत भी गए थे समोवा जो रे मिस्टीरियो को हरा कर। लेकिन गाइस अभी के लिए इंजर्ड है समोवा जो, लेकिन जल्दी ही अपनी वापसी करेंगे WWE में। अब बात करते हैं कौन सी चीज ये लैक करते हैं ब्रॉक लेसनर को मैच करने में, वो है इनकी बॉडी टाइप। ये थोड़े फैट किस्म के है, बल्कि देखा जाए अगर ब्रॉक लेसनर को उनके प्रॉपर मसल, इसलिए मैंने इनको नंबर 5 पर रखा है। चलिए अब नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4, कीथ ली। मेन कारण जो मैच करता है कीथ ली ब्रॉक लेसनर से, वो है इनकी पावर, उसके साथ साथ बॉडी टाइप भी। बस अगर थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर ले, इनके मसल्स फिट हो जाएं, तो प्रॉपर ब्रॉक लेसनर जैसे दिख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर एंड कीथ ली की एक बार मुलाकात भी हो चुकी है रॉयल रंबल 2020 में, जब कीथ ली आ गए थे एंट्रेंस करके और ब्रॉक लेसनर का फेस बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसके साथ साथ अगली एंट्रेंस हो गई थी ब्रॉन स्ट्रोमन की, लेकिन ब्रॉक लेसनर इतने ज्यादा तगड़े निकले, इन दोनों को ही बाहर निकाल दिया। अब बात करते हैं कौन सी चीज लैक करते हैं कीथ ली ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करने में, वो है इनकी पॉपुलैरिटी। इंडिया में बहुत ही कम है पॉपुलैरिटी कीथ ली की, लेकिन यस गाइस, अगर कीथ ली को अच्छे मैचेस मिलते हैं जैसे ब्रॉक लेसनर को मिलते हैं डिफीट करने वाले, तो श्योरली ये बन सकते हैं अगले ब्रॉक लेसनर। चलिए अब नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3, रोमन रेंस। रोमन रेंस की पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी बड़ी अच्छी है, परफेक्टली रिप्लेस करते हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन जो अगले दो सुपरस्टार है वो और भी ज्यादा परफेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। सो इस नंबर 3 पर रोमन रेंस को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रोमन रेंस की एक यूनिक पर्सनैलिटी है। लेकिन गाइस करंट सिचुएशन में ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है WWE के द्वारा, उसके साथ साथ पॉल हेमन जुड़ चुके हैं रोमन रेंस के साथ, तो एक परफेक्ट मौका है रोमन रेंस के लिए कि वो याद ही ना दिलाए ब्रॉक लेसनर की और रिप्लेस कर दे उनको। चलिए गाइस, अब टॉप 2 की बारी आ चुकी है। आप भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कौन रिप्लेस करेगा ब्रॉक लेसनर को फ्यूचर में WWE के। नंबर 2, ब्रॉन स्ट्रोमन। गाइस मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि ये फ्यूचर का ब्रॉक लेसनर है, लेकिन दिल है जो नंबर 1 पर अटका हुआ है। गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन के पास सब कुछ है जो ब्रॉक लेसनर को मैच करना चाहिए, लाइक स्ट्रेंथ हो गई, हाइट भी उनसे ज्यादा है, उसके साथ साथ ठीक है एंट्रेंस भी तगड़ी होती है। लेकिन गाइस एक चीज जो ये लैक करते हैं वो है टॉप स्टार क्वालिटी। ये एक डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर कहा जा सकता है, लेकिन जैसे रोमन रेंस एक टॉप स्टार है, ड्रू मैकइंटायर इस टाइम है, उसके साथ साथ जैसे एज स्टाइल सीएम पंक रह चुके हैं, वैसे क्वालिटी वाला टॉप स्टार नहीं है ये बंदा। गाइस आपको एक विचित्र सा क्वेश्चन पूछता हूं, आई होप आप कमेंट्स में आंसर करोगे। आपके ऊपर रेट्रीब्यूशन का अटैक हो गया है, आप किसको एज अ पार्टनर चुनोगे, ब्रॉक लेसनर या फिर ब्रॉन स्ट्रोमन, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ये तो हो गई दिमाग की बात, अब आते हैं दिल पर। और नंबर 1 सुपरस्टार कौन है जो फ्यूचर में रिप्लेस कर सकता है ब्रॉक लेसनर को, बॉबी लैशली। गाइस इस बंदे को बेकार सी स्टोरी लाइन में डालकर सारा बर्बाद कर दिया गया। लाना वाली स्टोरी, मतलब कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को बहुत ही बेकार। गाइस जैसा ये बंदा था TNA में, एक टॉप स्टार था, लेकिन WWE ने क्या किया, इसको गंदी मंदी वैसे स्टोरी लाइन में डाल के सारा बर्बाद कर दिया। ये ब्रॉक लेसनर की एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट थी। गाइस ये बंदा सब कुछ मैच करता है, गाइस बॉडी देख लो, स्ट्रेंथ देख लो, उसके साथ साथ स्पीयर वगैरह सब अच्छे मूव्स है, लेकिन WWE ने क्या किया, इसको स्टोरी लाइन में लाना वाली एक तो हो गई, एक तो MVP वाली होगी, सारा का सारा बर्बाद कर दिया इसका करियर। गाइस अभी भी टाइम निकला नहीं है, बॉबी लैशली को अच्छे से तैयार किया जा सकता है WWE के फ्यूचर के लिए। इनकी पॉपुलैरिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी अगर इनके पास WWE चैंपियनशिप आ गई। गाइस ये तो हो गई ब्रॉक लेसनर की बात, मैंने एक पहले भी वीडियो इस पर बना चुकी है कौन रिप्लेसमेंट होगा अंडरटेकर का, ऊपर मैं लिंक दे देता हूं, आप जाके देख सकते हो वो वाली वीडियो डायरेक्टली। एंड गाइस आप भी मुझे बता दीजिए कोई सुपरस्टार रह तो नहीं गया जो ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन इस लिस्ट में नहीं है, और आप कमेंट में बताइए इन 5 सुपरस्टार में से कौन अच्छा बंदा है, टॉप 1 बंदा है जो रिप्लेस कर सकता है ब्रॉक लेसनर को। यहां पर हमारी वीडियो खत्म होती है, अगर आपने एंजॉय की सब्सक्राइब मार देना, मोटिवेशन मिलती है उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, लाइक मार के अपने अटेंडेंस लगवा देना। माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।